जयप्रकाश नारायण की कल जयंती है, ऐसे में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल यहां पर माल्यार्पण का ऐलान किया गया था और जिसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है, क्योंकि सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि अखिलेश यादव को बहरहाल प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है कि वो यहाँ पर पहुँचे और माल्यार्पण करें। और पिछले साल की यदि तस्वीरें याद आती हैं तो आप समझिए कि अखिलेश यादव यहाँ पर माल्यार्पण करने पहुँचे थे, जिसके बाद प्रशासन ने उनको जो है रोकने का प्रयास किया था, लेकिन ये जो 8 फीट आप गेट देख रहे हैं इसी गेट को फान कर अखिलेश यादव अंदर दाखिल हुए थे और उन्होंने मूर्ति पर जो है माल्यार्पण किया था। लिहाजा अखिलेश यादव के कल के ऐलान को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से जो है अलर्ट पर दिखाई दे रहा। आप देख सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण जो सेंटर है इसका जो मेन गेट है जहां से पिछली बार अखिलेश यादव अंदर दाखिल हुए थे उसको टीन सेट से पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि भारी भरकम टीन की जो दीवार है उससे गेट को पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है, क्योंकि इसी गेट से अखिलेश यादव के अंदर जाने की संभावनाएं जो है वो प्रशासन ने जताई है। लिहाजा आप खुद देखिए कि रात का समय है और जो तमाम कर्मचारी हैं वो यहां पर मौजूद आपको दिखाई दे रहे हैं और आप देखिए बाकायदा पूरा जो गेट है उसको टीन से लॉक कर दिया गया है, जो तार है उससे बाकायदा टीन जो है वो बांधे गए हैं और पूरे गेट को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। टीन सेट यानी लंबी चौड़ी जो टीन की दीवार है वो गेट के सामने लगाई गई है, पूरे गेट को लॉक कर दिया गया है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और कहीं ना कहीं सवाल जो है वो उठाए हैं कि जिस तरह से जयप्रकाश नारायण की जयंती पे उन्होंने ऐलान किया था कि वो माल्यार्पण जो है उनकी मूर्ति पर करेंगे, लेकिन जिस तरह से ये जो कदम सरकार के इशारे पर अधिकारियों ने उठाया है वो कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि किसी को नमन करना, श्रद्धांजलि देने से रोकना सब लोगों की निशानी नहीं है। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बड़ा सवाल जो है वो प्रशासन के ऊपर उठाया है। दूसरी तरफ जो परमिशन को कि प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है अखिलेश यादव को, लिहाजा ये भी माना जा रहा है कि अखिलेश यादव को उनके आवाज़ उनके पार्टी मुख्यालय से ही जो है रोकने पर पाबंदी लगाई गई है। लिहाजा पुलिस प्रशासन अभी से पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी का जो मुख्यालय है इसके अलावा अखिलेश यादव का जो आवास है वहाँ भारी जो है पुलिस फोर्स तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी ये बिल्कुल साफ कहा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण की जयंती पर हाई वोल्टेज जो ड्रामा है वो कल सुबह दिखाई पड़ सकता है, कि जिस तरह से अखिलेश यादव पिछली बार भी प्रशासन के रोक के बाद भी तमाम अपने कार्यकर्ताओं के साथ जयप्रकाश नारायण ये जो सेंटर है यहाँ पहुँचे थे और इसी गेट से फान करके उन्होंने अंदर जो है जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया था। लिहाजा उसी को देख करके जिस तरह से पूरा ये टीन सेट की दीवार जो है गेट के बाहर लगा दी गई है, पूरे गेट को लॉक कर दिया है। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से ट्वीट किया है उसके बाद अखिलेश यादव का अब क्या अगला कदम होता है। क्या सुबह अखिलेश यादव प्रशासन की अनुमति न देने के बाद भी जो है यहाँ के लिए कूच करते हैं, क्या पिछली बार की जो तस्वीरें हैं वो रिपीट होने वाली हैं अखिलेश यादव, क्योंकि ये गेट जो है लॉक कर दिया गया है तो क्या बाकी जो गेट है वहाँ से अंदर वो दाखिल हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि प्रशासन में भी हलचल जो है मची हुई है, लेकिन सरकार के इशारे पर जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं उसके बाद जो अधिकारियों ने ये बड़ा जो है आप देख सकते हैं कि कदम उठाया है, बाकायदा मेन जो गेट है उसको लॉक कर दिया है, क्योंकि अखिलेश यादव इसी गेट से पिछली बार अंदर फान कर दाखिल हुए थे जबकि बहुत कोशिश की गई थी अखिलेश यादव को रोकने की। बहरहाल अब देखना होगा जिस तरह से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है उसके बाद कल की जो तस्वीरें हैं वो क्या हंगामेदार होने वाली है, क्या अखिलेश यादव पार्टी मुख्यालय से अपने आवास से निकलेंगे, प्रशासन के रोकने के बाद बावजूद पुलिस बल के रोकने के बावजूद भी क्या अखिलेश यादव JPNIC यहां पहुंचेंगे और क्या मूर्ति पर माल्यार्पण कर पाएंगे। बहरहाल कल देखना होगा कि आखिर कल की जो तस्वीरें हैं वो क्या वास्तव में हंगामेदार होने वाली है या फिर कोई अलग जो कोई हल है वो निकल करके आता है। कैमरा पर्सन अरविंद सातानुकुमार, भारत समाचार, लखनऊ।